ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब का आना जाना तो इस घर में शुरू हो चुका है। अदिल की अम्मी क्या कहती हैं कि कितनी प्यारी बहू है और कितनी अपनायत है इसमें। अदिल तो बहुत ही खुशकिस्मत है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर शर्जीना की काफी तारीफ की जाती है कि आज का सारा खाना शर्जीना ने बनाया है। ये सुनकर रुबाब भी काफी हैरान होती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं अदिल वो उससे इम्प्रेस न हो जाए। रुबाब अपने दिल की जलन को पूरा करने के लिए शर्जीना के पास जाकर उसे कहती है कि ये जस्ट एप्रिसिएशन के लिए कुछ इनाम है तुम्हारे लिए, कि शर्जीना लेने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि ये एप्रिसिएशन के लिए नहीं है बल्कि मेरी इंसल्ट है, क्योंकि रुबाब जैसी घटिया लड़की वो सबके सामने उसे पैसे देकर ये जाहिर करना चाहती है कि वो किस कदर मालदार औरत है और किसी को भी इनाम में इतनी बड़ी रकम दे सकती है। साथ ही साथ मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान दूरियाँ बढ़ने लगी है। यानी शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है, जितनी मेरी इंसल्ट हुई, किस तरह से रुबाब ने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं बोले मुस्तफ़ा, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है। मुस्तफ़ा कहता है कि शर्जीना मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता और तुम तो चाहती ही यही होना, मुझसे अलहदा होना, क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे। लेकिन मुस्तफ़ा को काफी गुस्सा आया होता है क्योंकि घर में जिस तरह के ताने उसे दिए जाते है ना, ये नलायक है, नकम्मा है, कुछ नहीं करता। मुस्तफ़ा तो अपने घर वालों से ही तंग आ चुका है। लेकिन मुस्तफ़ा को शर्जीना की खातिर वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि शर्जीना को किसी रकम की जरूरत नहीं है, वो इन पैसों के बगैर भी काफी ज्यादा खुश है क्योंकि रुबाब ने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है फिक्र मत करो शर्जीना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। शर्जीना कहती है कि आज रात की बात है, मैं कल चली जाऊंगी, तुम में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा ये सब कुछ इसलिए कहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा चिढ़ चुका है अदिल की बातों से और सब लोगों की बातों से, जिस तरह से अदिल कहता है कि ये एक मिसमैच कपल है, मुस्तफ़ा कुछ करता नहीं है और शर्जीना पढ़ी लिखी लड़की है, एक समझदार लड़की, उसे मुस्तफ़ा कैसे मिल सकता है। इन बातों को शायद मुस्तफ़ा ने दिल पर ले लिया है, इसी वजह से वो शर्जीना को आजाद करना चाहता है। शर्जीना कई बार उससे समझाती रही लेकिन मुस्तफ़ा बाज न आया। उसे ऐसा ही लगता है कि वो शर्जीना को वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो एक शोहर को अपनी बीवी को देनी चाहिए। वो सोचता है कि यहाँ पर तो उल्टा शर्जीना ही कमा कर लाती है मेरे लिए, मेरी क्या औकात रह चुकी है। यानी मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, उसके लिए अलग घर नहीं ले सकता, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को मैं पूरा नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि हम दोनों की सोच में काफी फर्क है, तुम किताबें पढ़ती हो और मैं हर वक्त गेमें खेलता हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं हमेशा से फेल होता आया हूँ, और यहाँ तक कि आज तुम्हारे पास जॉब है और मेरे पास कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि शर्जीना मुस्तफ़ा के दरमियान इतनी दूरियां आ जाएंगी कि शर्जीना अपने घर आ जाएगी। यहाँ तक कि उसकी बहन उससे कहेगी कि आहर तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो कहती थी ना कि मुस्तफ़ा बहुत अच्छा है, वो मोहब्बत करने वाला है, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें घर आना पड़ा। जानती हो अगर अम्मी अबू को मालूम हो गया तो उन्हें कितना दुख होगा। शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, पता नहीं वो तो बदल ही चुका है, उसने अदिल की बातों को दिल पर ले लिया है, वो अपने आप को एक बेबस इंसान समझना शुरू हो चुका है। मैं उसका हौसला बढ़ाकर थक गई, लेकिन नहीं, आगे आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा शर्जीना को लेने के लिए भी आएगा। वो उसे कहेगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हारे लिए बोलना चाहिए था, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हारा शोहर हूँ, उस दिन शायद अपनी जिम्मेदारी को भूल गया, मुझे माफ़ कर दो शर्जीना। शर्जीना कहती है कि कब तक ये चलेगा और कब तक हम इस तरह लड़ते रहेंगे, हमें एक दूसरे की सपोर्ट कब मिलेगी। मुस्तफ़ा तुम्हारी छोटी छोटी बातें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मुझे हर्ट करती है, तुम जानते भी हो कि तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें रखी हुई है मैंने, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ कि तुम एक काबिल शख्स हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, अपने बड़े भाई अदिल से भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे दुख हो। शर्जीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी तो मुस्तफ़ा उसे चुप कराएगा, वो उसे कहेगा कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ तुम कहोगी वैसा ही होगा, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। आगे जाकर आप देखेंगे कि जब शर्जीना घर वापस आ जाएगी तो दिल को काफी बुरा लगेगा, क्योंकि दिल जैसा शख्स वो तो काफी ज्यादा खुश था कि शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों अलग होने वाले हैं, और अदिल जैसा घटिया शख्स वो तो ये भी सोचने पर मजबूर हो चुका है कि कहीं उसकी शादी दोबारा से शर्जीना के साथ भी हो सकती है या नहीं। लेकिन रुबाब वो सिर्फ
توڑنے والی نہیں ہے اگر اسے دل کی سوچ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو، کیونکہ رباب کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ رباب کو چھوڑ کر اب کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت کے دعوے اور وعدے کرے گا، رباب اسے ایسا مزہ چکائے گی نا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یہاں تک اس ڈرامے کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی اس وقت ہوگا جب مصطفیٰ اور عدل کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ اب وہ ڈٹ کر بولتا ہے، شرجنا نے اسے سمجھا دیا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں دکھ دینے کی کوشش کرے تو تمہیں بولنا ہوگا، خاموش مت رہا کرو، اپنے حق کے لیے آواز بلند کیا کرو مصطفیٰ۔ اب جب عدل اسے دوبارہ سے تانے دیتا ہے کہ یہ ایک نالائق نکما شخص شرجنا کو کیا خوش رکھے گا، تو عدل کا گربان پکڑ لیتا ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ عدل بھائی بس بہت ہو گیا، آپ اپنی بیوی کے پیسوں پر پڑ رہے ہیں، اپنے بیوی کے پیسوں پر اتنا ناز مت کریں، کیونکہ جس دن اس نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ بھی سڑک پر آ جائیں گے، جانتے ہیں نا آپ۔ یہ سن کر عدل کو کافی غصہ آتا ہے، وہ تو مصطفیٰ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر شرجنا ان دونوں کے درمیان صلح کرواتی ہے، لیکن اس کی امی تو یہی کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ شرجنا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو میرے دونوں بیٹوں کے درمیان آگ لگانا چاہتی ہے، لیکن مصطفیٰ کہتا ہے کہ امی بس بہت ہو گیا، شرجنا کو آپ کو سروار نہیں ٹھہرا سکتی، اپنے بڑے بیٹے کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا کہ یہ کہیں آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے، اور یہی سب کچھ ہونے والا ہے کیونکہ عدل انہیں اس قدر رسوا کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی بیوی رباب کے ہاتھوں، کیونکہ رباب انہیں اپنے گھر سے نکال دے گی جب یہ وہاں پر شفٹ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی سین آپ کو اگلے ایپیسوڈز میں دکھایا جانے والا ہے۔